जैसा कि आपने देखा हमारे सिंहभूम की सांसद महोदया श्रीमती गीता कोड़ा मैडम अभी हमारे ऑफिस है। आदरणीय श्रद्धेय श्री सोनाराम सिंह सर भी हमारे बीच हैं और वो उनका भी बच्चों ने स्वागत किया है और स्वागत करके वो अभी हमारे ऑफिस कक्ष में हैं। कुछ मिनटों के बाद अभी हमारे विद्यालय के जो दो कमरे स्मार्ट क्लास में परिणत हुए हैं, जिसको स्मार्ट क्लास बनाया गया है, उन दो कमरों का अभी उद्घाटन होगा। तत्पश्चात जिस मंच से मैं यहाँ पे आपको संबोधित कर रहा हूँ, इस मंच पे मैं और सर दोनों विराजमान होंगे। साथ में हमारे और भी जो अतिथिगण हैं, प्लीज सर आप लोग बैठ जाइए, खड़े मत होइए। हमारे जो मीडिया बंधु बंधु हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। और उसके बाद मंच पर हम लोग दीप प्रज्वलन के पश्चात आधे घंटे का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं और बस सिर्फ आधे घंटे का ही कार्यक्रम है, बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं है। विद्यालय भी साथ ही साथ चल रहा है, क्लासरूम में बच्चे भी हैं और टीचर्स भी हैं और विधिवत जिस तरह से एक स्कूल चलता है, स्कूल चल भी रहा है। कुछ दो तीन टीचर्स हमारे बीच मंच संचालन और कुछ कार्यक्रमों में शामिल हैं, शेष टीचर बच्चों के बीच हैं। बकायदे जैसे स्कूल में मध्याह्न भोजन चलता है वह भी चलेगा और सारे कार्यक्रम जो विद्यालय के हैं वे भी संचालित होते रहेंगे। तो बच्चों जैसा आप लोगों को निर्देश दिया जाएगा वैसा आप लोग करेंगे और आप लोगों को भी हमारी माननीय सांसद महोदया श्रीमती गीता कोड़ा जी, जिनका आप लोग हमेशा नाम लेते रहते थे, उनसे आज आप लोग साक्षात मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनका स्वागत। तो हमारे लिए ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे विद्यालय के लिए, हमारे बड़ा जामदा के। जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं और जो आगंतुक यहाँ हैं, जिनके बच्चे इस स्कूल में नहीं भी हैं, उन्हें मैं बता दूं कि झारखंड में कुल 80 विद्यालयों को मॉडल विद्यालय में तब्दील किया गया है और नवामंडी प्रखंड में आप लोग जानते हैं टोटल 129 स्कूल हैं। उन 129 स्कूलों में हमारे आदर्श मध्य विद्यालय बड़ा चांदा को मॉडल विद्यालय बनाया गया है। तो जब मॉडल विद्यालय यह बना है तो निश्चय ही यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज होगी,